Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video. Today we are going to start with the other part of lung volume and capacities. So first of all, I want to give you a definition of lung volume and then I will move on to the lung volume and the further part of lung capacities. In my previous video, I have taught you about tidal volume, then inspiratory reserve volume and inspiratory capacity. But in previous video, I have forgot to give the definition of lung volume and lung capacity. So I'm going to cover it in this video. So what is lung volume? It is the quantities of air the lung can receive, hold or expel under different conditions. Fine, to koi normal कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम जो होता है दैट इज द नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. देन फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं आप, जिसको इंस्पायरेशन रिजर्व कैपेसिटी कहते वॉल्यूम कहते हैं. देन आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन कहते हैं. सो सच ऑल थिंग्स विल कम अंडर लंग वॉल्यूम. सो द क्वांटिटीज ऑफ एयर द लंग कैन रिसीव, होल्ड एंड एक्सपेल. रिसीव भी कर सके, होल्ड भी कर सके या एक्सपेल कर सके डिफरेंट कंडीशन में, अंडर डिफरेंट कंडीशन, दैट इज द लंग वॉल्यूम. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द अनदर वॉल्यूम, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है जब आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आपको पता है नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली जो आपको फील भी नहीं होता, तो उस समय आप कितना वॉल्यूम रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम 500 ml. लेट मी राइट दोज things over here. Tidal volume, it is 500 ml. Inspiratory reserve volume, 2500 to 3000 ml. Okay. So, normally हम without any effort हम जो exhale कर रहे हैं, that is the tidal volume, 500 ml. But उसके अलावा भी आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर रिलीज करते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन से, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो लेट मी राइट ओवर हियर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड विथ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. फाइन, एंड इसका जो क्वांटिटी है दैट इज 1000 to 1100 ml. फाइन, सो व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज एक्सहेल्ड आउट विद फोर्सिबल एक्सपायरेशन. ठीक है, तो आप फोर्स के साथ जो एक्सहेल कर रहे हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, that is the expiratory reserve volume. Now the next one is residual volume. And आप देखिए commonly जो होता है ना, हम इनको abbreviation से learn करते हैं, जिसके इसको हम ERV बोलेंगे and इसको RV बोलेंगे. Fine. सो रेसिड्यूअल वॉल्यूम, नाम से ही पता चलता है रेसिड्यू, बचा हुआ. ठीक है, तो कब बचा हुआ? जब भी आप फोर्सिबल एक्सपायर करते हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सिबली आप एडिशनल एयर एक्सहेल करते हैं, दैट टाइम टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इज स्टिल इनसाइड द लंग. लंग कभी भी वेकेंट नहीं होता, एम्प्टी नहीं होता. इतने सारे एल्वेली है, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एयर बच ही जाता है. सो दैट इज द रेसिड्यूअल वॉल्यूम. सो रेसिड्यूअल वॉल्यूम का डेफिनेशन ऐसा होगा कि जो अमाउंट ऑफ एयर बचता है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर,
amount of air left in respiratory tract after forcible expiration, और इसका जो अमाउंट होता है दैट इज 1100 to 1200 ml, फाइन, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, फाइन. सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप एडिशनल एयर एक्सहेल करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा जब आप एक्सपायरेटरी मतलब फोर्सिबली एक्सहेल करते हो एयर को, लंग्स को खाली करने की कोशिश करते हो, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो बच गया एयर, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम. सो हमेशा लंग में कुछ ना कुछ जो एयर है वो बच ही जाता है, एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200 ml. सो अभी तक हमने लंग वॉल्यूम में चार टर्म्स के बारे में पढ़ा है. वन इज टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं विच इज 2500 to 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सिबल एक्सपायर कर रहे हैं 1000 to 1100, एंड लास्ट वन इज द रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज 1100 to 1200 ml. Now let's move on to the next topic, that is lung capacities. So lung capacity, it is derived by adding respiratory volume and can be used for clinical diagnosis. तो lung capacities अगर हमें calculate करना है तो उसके लिए हमें different volumes को according to the requirement we have to add on, and then we will get this value, and this can be used for clinical diagnosis. Agar aapko lungs related koi bhi issue hai, koi bhi problem hai, that time hum lung capacities ko measure kar sakte hai, diagnose kar sakte. Lung capacity, it is derived by adding respiratory volume and can be used for clinical diagnosis. To agar hume lung capacity calculate karna hai, for that we have to add one or two according to the requirement, हमें इन volumes को add up करना है. Plus हम lung capacities को use करते हैं for clinical diagnosis, lung diagnosis के लिए भी हम इस capacity को use करते हैं. Like अगर asthma है, bronchitis है, emphysema है, so इन सब के diagnosis के लिए हमें lung capacity calculate करने की ज़रूरत है. Next is the first one we will be discussing here is expiratory capacity, which is commonly called in abbreviated form EC. मैंने आपको मेरे previous video में बता चुका है what is inspiratory capacity और वो कितना differ करता है. तो inspiratory capacity is 35, मतलब हमें add करना है ना, तो 3000 to 3500 ml, fine. So what is expiratory capacity? It is total volume. Let me write the definition first and then I will explain you. Total volume of air exhaled after normal inspiration. ओके, सो जब भी आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, आप नॉर्मली इनटेक कर रहे हैं एयर का, दैट इज 500 ml, फाइन. उसके बाद आप जितना टोटल अमाउंट एयर का एक्सहेल कर सकते हो दैट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. सो कितना होगा वो, आप नॉर्मली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, 500 ml, that is the tidal volume, plus आप expiratory reserve volume exhale कर सकते हैं, fine. So जब आप normal inspire कर रहे हैं, आपने normally 500 ml अपने lungs में लिया, after that total amount कितना exhale कर सकते हो, एक तो TV जो normally exhale करते हैं हम, plus
एक्सहेल करते हो वो भी एक अमाउंट है, वो भी एक वॉल्यूम है. सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों वॉल्यूम्स को, देन इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल्ड. फाइन, सो दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. सो लेट्स कैलकुलेटेड एक्सपायरेटरी. तो ये हुआ आपका 500 ml प्लस जो ERV है, आप यहां देख सकते हैं ERV की दो वैल्यूज दी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. सो हम पहले मिनिमम के साथ इसको ऐड करते हैं, सो इट इज समवेयर 500 ml. एंड जब हम इसको मैक्सिमम के साथ करते हैं, इट इज अराउंड 1600 ml. सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज 1500 ml टू 1600 ml. Fine. So what is expiratory capacity? It is a max total volume of air which can be exhaled. ठीक है, आप total कितना air expire कर सकते हैं after normal inspiration. तो normally तो आप TV कर ही सकते हैं, आप tidal volume जो है 500 ml तो वैसे भी expire करते हैं, plus थोड़ा सा अगर force लगाते हो तो आप कौन सा volume exhale करते हो, that is the ERV, expiratory reserve volume. So ये दोनों आप इतना volume जो है total exhale कर सकते हैं. Functional residual का मतलब आपको पता है. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो lungs में बचा हुआ air है, which is functional. ठीक है, तो normally आप जब एक्सहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करते हैं ना, उसके बाद भी आपके लंग्स में कुछ अमाउंट रह जाता है एयर का. ठीक है, और वो अमाउंट जो है इट इज यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो क्योंकि वो बचा हुआ है इसीलिए रेसिड्यूल, एंड क्योंकि उसका फंक्शन है इन एक्सचेंजिंग द गैस, इट इज द फंक्शनल रेसिड्यूल वॉल्यूम. सो इट इज द अमाउंट ऑफ और इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. फाइन, तो लंग्स में जब भी आप नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, कितना एक्सपायर कर रहे हैं आप नॉर्मली, जस्ट 500 ml. ठीक है, उसके बाद आपके लंग्स में कुछ अमाउंट बचता है. क्या अमाउंट बचता है, इट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि आपने फोर्सिबली रिलीज नहीं किया एयर, तो ये तो अमाउंट आपके लंग्स में बच ही गया, प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम. आपको पता है कि इवन आफ्टर यू डू द फोर्सिबल एक्सपायरेशन स्टिल सम अमाउंट इज लेफ्ट. ठीक है, तो नॉर्मली जब आपने एक्सपायर किया टीवी 500 ml, उसके बाद भी आपके लंग्स में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना एयर है प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम बचा है. सो दिस इज द फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम. सो लेट्स कैलकुलेट दिस. ये आपको पता है इट इज 1100 to 1200 ml, एंड जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 1000 to 1100 है. फाइन, सो हम क्या कर सकते हैं कि पहले मिनिमम को ऐड करेंगे, तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इट इज समवेयर 2100 ml टू, आप मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करोगे इट इज 2300 ml. सो रेसिड्यूअल फंक्शनल रेसिड्यूअल capacity, sorry, I have done this mistake. It is capacity. And it is FRC. Clear? So it is 2100 ml to 2300 ml. So again, let's talk about this lung capacity. पहला expiratory capacity. मीन्स आप नॉर्मली जब एयर लेते हैं उसके बाद कितना टोटल एयर आप एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. सो आप टाइडल वॉल्यूम तो एक्सहेल कर ही सकते हैं, प्लस अगर आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आप
ERV exhale करते हैं. So this total is expiratory capacity. Functional residual capacity. Residual means बचा हुआ. And functional means the air which is used for, normally used for exchange of gases. That is the functional residual capacity. It's a very important. Fine. तो आप normally तो 500 ml exhale कर रहे हैं. But उसके बाद भी आपके lungs में कुछ amount of air रह जाता है. तो वो ERV है. क्योंकि हम हमेशा तो expire नहीं करते ना. Forcibly expire नहीं करते. So वो air generally बचा ही होता है हमारे lungs में. प्लस जो रेसिडुअल वॉल्यूम इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन कुछ अमाउंट रह जाता है लंग्स में क्योंकि लंग्स कभी भी खाली नहीं होता. दैट इज द आरवी. तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में इतना एयर आपके लंग्स में होता ही है फॉर गैशियस एक्सचेंज. सो दिस इज द एफ आर सी. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. टूडे आई हैव गिवन यू एन आइडिया अबाउट ERV, residual volume, expiratory capacity and functional residual capacity. Now, in next video, I will teach you some more lung capacity and I will explain with a graph how you can represent all the lungs capacity and the volumes. So, see you in my next video. Keep learning, be safe and take care. And for more updates, for more knowledge, for more fun, you can even follow me on my Instagram, and Instagram ID is given in my description box. So see you in my next video. Till then, take care.